हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक वीडियोस ऑन। सो फ्रेंड्स, आज हमारी एमएस वर्ड की थर्ड क्लास है, तो जल्दी से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, एमएस वर्ड ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको होम टैब के बारे में मुकम्मल गाइड कर दिया था कि होम टैब में कौन कौन से टूल है और आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। आज हम इंसर्ट टैब के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे मैंने इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक किया तो ये इसके सारे नीचे ऑप्शंस आ गए हैं। आज हम बारी बारी इन सब ऑप्शंस पर बात करेंगे कि आखिर ये ऑप्शंस किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कवर पेज का ऑप्शन है। अब ये कवर पेज क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उसका फर्स्ट पेज थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए कि उसको देखने से पता लगे कि आगे की आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस पे बेस करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक कवर पेज की जरूरत होती है, वो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बने बनाए काफी सारे कवर पेज आ जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी यहाँ से आपको जो सा डिजाइन अच्छा लगे आप उसे सिलेक्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास एक कवर पेज आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं कि किस बेस पे आपका डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमएस वर्ड, ठीक है। यहाँ पे इसका सब टाइटल दे सकते हैं आप कि आप फॉर एग्जाम्पल हम इंसर्ट टैब पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सब टाइटल दे दिया इसका। यहाँ पे आपने कोर्स टाइटल देना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्स नंबर, ये हमारा 3 है, तो मैंने इस पे 3 लिख दिया। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इसके बारे में कि आप इसमें कि कौन कौन सी चीज़ पढ़ाने वाले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इंसर्ट टैब पढ़, तो यहाँ पर हम अब्स्ट्रैक्ट में यानी कि इसके डिस्क्रिप्शन में कि इसके अंदर आप इस बुक में ये इस डॉक्यूमेंट में आपने क्या क्या बताया है देखने के लिए, तो वो आप यहाँ पे सब कुछ टाइप कर सकते हैं। सो ये था कवर पेज के, आप अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में एक कवर पेज कैसे लगा सकते हैं। इसको आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं जिस तरह को आपने, जिस चीज़ के लिए भी, जिस तरह भी आपने इसको यूज़ करना है आप इसे कर सकते हैं इजीली। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और कवर पेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, यही कर लेते हैं। तो यहाँ पे ईयर लिख देना है आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ। यहाँ पे एमएस वर्ड जो हमने पीछे टाइटल दिया था, यहाँ पे अपना ऑथर नेम लिख देना, कंपनी नेम लिखना चाहते हैं, यहाँ पे डेट लिख सकते हैं। तो इसके नीचे से आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस कवर पेज का क्या फायदा होगा कि इस कवर पेज से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो काफी खूबसूरत लगेगा, यानी कि जो भी इसको खोलेगा तो उसको फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म के कवर पेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई पसंद नहीं है कवर पेज तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास दो तीन और कवर पेज आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर रिमूव करना चाहते हैं तो इस पर रिमूव पे क्लिक करेंगे तो आपका कवर पेज यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट ऑप्शन इसका कि कवर पेज किस तरह से यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ब्लैंक पेज का। तो ये ब्लैंक पेज का ऑप्शन किस तरह काम करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ। ये मैंने पैराग्राफ लिखा। अब मैं एक ब्लैंक ऑप्शन, ब्लैंक पेज पे जाना चाहता हूँ कि वहां पे मैं दोबारा से कोई नई अपना डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ। तो आपने सिंपली ये ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास ऑटोमेटिकली ये आपका जो कर्सर है ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे अब आप आ जाएंगे तो यहाँ से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी वही डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ, ये मैंने लिखा पैराग्राफ यहाँ पे, ये आपके सामने। अब आप चाहते हैं कि मुझे बार नीचे जाके एंटर प्रेस करके मुझे सेकंड पेज पे ना जाना पड़े, तो आप यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, ये तीसरे नंबर पे आप फिर से ब्लैंक पेज पे आएंगे। तो ये होता है कि ब्लैंक पेज किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक का ऑप्शन क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ एक दफा। नाउ तो ये अब हम आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज 1 of 2 है, ठीक है। तो यहाँ से ये पेज भी हम डिलीट कर देते हैं, ये पेज 1 of 1। अब हमारे पास एक ही पेज है। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट पेज पे सिर्फ इतना काम करना था जितना हमने कर लिया इस वक्त। अब आप जाना चाहते हैं सेकंड पेज पे, तो आपको पता है सेकंड पेज पे जाने के लिए ये आपको एंटर प्रेस करके या ऐसे ऐसे करके आपको सेकंड पेज पे जाना पड़ता है। लेकिन आप यकदम सेकंड पेज पे जाना चाहते हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं, आप ब्रेक का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप सेकंड पेज पे आ जाएंगे, फिर से पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे आप थर्ड पेज पे आ जाएंगे, फिर से करेंगे आप फोर्थ पेज पे आ जाएंगे, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है कि पेज ब्रेक आप यूज कैसे कर सकते हैं, एक ही क्लिक के अंदर आप सेकंड पेज पे जा सकते हैं। इसके लिए आपके पास कीबोर्ड पे, अगर आपने ऐसे करना हो तो कीबोर्ड पे आपके पास कमांड होती है कंट्रोल प्लस एंटर की, आप इसको क्लिक करी जाएंगे तो आपका ये देखिए पेज ब्रेक होता जा रहा है। अगर आप कीबोर्ड से नहीं पेज ब्रेक करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। आप नीचे यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा पेज
की प्लस होते जा रहे हैं पेज, जितनी दफा हम इसको प्रेस करेंगे 3D के, तो यहाँ से आप इजीली अपने पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हम अगेन आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो ये तो हो गए पेजेस का ऑप्शन, के पेजेस के ऑप्शन पे आप किस तरह से इन तीनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जब हमारे पास टेबल्स का ऑप्शन आ जाता है कि इंसर्ट टैब में टेबल्स का क्या काम होता है। अब फॉर एग्जांपल आप कोई मार्कशीट बनाना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई भी पर्पस के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं जिसमें आपको टेबल्स की ज़रूरत है, आपने टेबल्स ड्रा करने हैं यहाँ पर, तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको टेबल का ऑप्शन दिया गया। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी सारे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। अब आप जैसे ही किसी भी एक बॉक्स पे जाएंगे तो आपके पास एक टेबल आ जाएगा। अब आप इसको ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है 1x1 का टेबल। अब आप जैसे ही अपना माउस को नीचे करेंगे तो ये टेबल अपने आप ड्रा होता जाएगा ऑटोमेटिकली, और ऊपर आपको बता रहा होगा कि ये कितने बाय कितने का टेबल है। जैसे अब ये 5x4 का टेबल है, ये 6x5 का हो गया, 7x6 का, 8x7, इसको आप अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकते हैं जितना टेबल आपने लेना हो। फॉर एग्जांपल मैं 6x6 का टेबल यहाँ पे ले रहा हूँ, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है तो आप 6x6 के टेबल पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से ऐसे क्लिक करके, अगर आपने ये टेबल को लार्ज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ऐसे लार्ज कर सकते हैं इसको। एंड नाउ फ्रेंड्स, अगर आपके पास इसी टेबल की आपने एक और कॉपी बनानी है और आप कहते हैं कि मैंने यहाँ से नहीं बनानी, आपको सिंपल ये एक मार्क नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग कर लेना नीचे की तरफ, तो आपके पास सेम उसी टेबल की एक और कॉपी आ जाएगी। फिर से अगर आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, इसके इस पॉइंट पर क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड से, और इसको ड्रैग करके जहाँ भी आपने रखना है वहाँ पर आप रखें और एक टेबल न्यू आपके पास आ जाएगा। यहाँ से भी अगर इसको आप ड्रैग करते हैं तो इसकी आप जितनी चाहे उतनी कॉपीज इन टेबल्स की बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि आप टेबल्स यहाँ से किस तरह से इजीली ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टेबल्स के सेक्शन में। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये कॉलम्स इनफ नहीं है मेरे लिए, मैंने इससे भी ज़्यादा रोज़ और कॉलम का टेबल लेना है, तो आपके पास वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद आपको इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिल रहा है। आपने इस पर क्लिक करना, यहाँ पे अब आप मैनुअली टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितनी कॉलम्स वाला टेबल लेना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने 10 कॉलम्स लेने हैं और रोज़ मैंने लेनी है 15, मैंने रोज़ लेनी है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टेबल आ जाएगा। यहाँ से आप इसको पकड़ के लार्ज करना चाहें या जिस तरफ को भी आप इसको करना चाहते हैं आप अपने टेबल को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था टेबल के किस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का टेबल इंसर्ट कर। सो फ्रेंड, इसके बाद हमारे पास इंसर्ट टेबल के बाद ऑप्शन आ जाता है ड्रा टेबल। अब ड्रा टेबल का ऑप्शन किस तरह से काम करता है, आपने इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब आप अपनी मर्जी से माउस की मदद से टेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे एक लाइन लगाई, इसको आपने यहाँ से ऐसे लाइन लगा दी, इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसमें रोज़ कॉलम जितने फासले पर भी आपने रखनी हो आप यहाँ से रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इतनी एक रखनी है और यहाँ से आपने जिस तरह भी करनी हो, यहाँ से आपने ये हमने कॉलम्स बनाए, अब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जितने दरमियान में स्पेस रख के आपने रोज़ बनानी है बना सकते हैं। अब आप किसके एक बॉक्स के अंदर आप सब रोज़ भी बना सकते हैं ऐसे। तो यह था एक बहुत ही अच्छा फीचर इन्होंने दिया ड्रा टेबल का, कि आप अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकते हैं कि आपने किस तरह का टेबल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं एक और बना के आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसके अंदर मैंने रो लगा दी, इसके अंदर मैंने कॉलम बना दिए, यानी कि ये बहुत अच्छा फीचर है। इसकी मदद से आप अपनी मर्ज़ी से टेबल ड्रा कर सकते हैं, आपने किस तरह का टेबल ड्रा करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन था कि आप किस तरह से अपने ड्रा टेबल कर सकते हैं। सो अब इसको मैं सारों को एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। सो फ्रेंड्स, टेबल में हमारे पास ड्रॉ टेबल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये आप देख सकते हैं कि ये भी ऑप्शन यानी कि ओपन नहीं है। इसको ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले तो कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ नेम, या लिखता हूँ फादर नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कुछ लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है ये अपने आप टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो वो कैसे करेंगे? आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद टेबल पे आके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे कॉलम्स वगैरह पूछेगा, तो आपने इसको अपने लिए सेट करना है। तो ठीक है, कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए, तो आपने ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ओके पे क्लिक
जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो एक टेबल के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इस टेबल को अपनी मर्जी से लार्ज साइज इंक्रीज करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो ये बात आपके पास बहुत ही एक अच्छा फीचर है कि आपको पहले टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, फिर उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक दफ़ा टेक्स्ट अपना लिख लो और उस पर क्लिक करके सीधा इंसर्ट पे आके टेबल्स में आके आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ईजिली कर सकते हैं। तो ये था कि आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को टेबल पर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह आप अपने टेक्स्ट को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप क्लिक करके अगर टैब को प्रेस करते जाएंगे तो आप इसके नीचे सब टेबल्स बना सकते हैं, यानी कि जितने मर्जी आप बनाना चाहें उतने बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको ड्रैग करके इसमें आप स्पेस देना चाहें इसके टेबल के अंदर, इंक्रीज स्पेस थोड़ी सी करना चाहें तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका है कि आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर आप वर्ड की फाइल में रहते हुए एक्सेल का काम करना चाहते हैं, एक्सेल का यानी कि एक होता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके बाद होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लेकिन अब आप उसमें एक्सेल में शिफ्ट नहीं होना चाहते। आप कहते हैं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहते ही अपने एक्सेल का काम करना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने टेबल पर सिलेक्ट रखना है, इंसर्ट पर आगे टेबल पर क्लिक करना है और एक्सेल सुपर शीट स्प्रेड शीट आपने इस पर सिंपली क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये टेबल जो है आपका एक्सेल के अंदर ओपन हो चुका है और ये आपके पास ऊपर जितना भी इंटरफेस है वो सारा एक्सेल का आ चुका है। अब आप अपनी मर्जी से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी कमांड्स अब एक्सेल की शो हो रही है, यहाँ पे फार्मूलाज, पे लेआउट, इंसर्ट होम, यानी कि एक किस्म का ये आपके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एमएस एक्सेल ओपन हो चुका है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहते रहते एक्सेल को एक्सेस कर सकते हैं, उसके सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं। अगर आप बाहर कहीं पे क्लिक करते हैं तो आप वापस से एमएस वर्ड के अंदर आ जाएंगे। अगर आप इस टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये आपका दोबारा से एक्सेल के अंदर जाने के लिए आपको टेबल पे क्लिक करना है, एक्सेल सुपरहेड शीट पे जाएंगे तो आपका ये एक्सेल अगेन ओपन हो गया। इसको क्लोज करने के लिए आपने बाहर कहीं भी क्लिक कर देना तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने अगर आप दोबारा से एक्सेल में जाना चाहते हैं तो टेबल पर डबल क्लिक करेंगे, आप एक्सेल में पहुंच जाएंगे। अगर वापस आना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आपने बाहर कहीं भी क्लिक करना है आप वापस आ जाएंगे। अब आपने अगर एक्सेल वाले टेबल को यहाँ से डिलीट करना है तो इस पर एक दफ़ा क्लिक करके अपने कीबोर्ड से सिंपली डिलीट का ऑप्शन प्रेस कर देना तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। आप हम इस सारे को एक दफ़ा यहाँ से डिलीट करके ब्लैंक पेज पर आ जाते हैं। अब हमारे पास टेबल्स के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है क्विक टेबल्स, यानी कि बने बनाए आप टेबल यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये टेबल आपने सिलेक्ट किया तो इस पर बना बनाया टेबल आपके पास आ गया, अपनी मर्जी से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपने लिखना हो वो आप लिख सकते हैं, यानी कि एक किस्म का बना बनाया टेबल आपके पास आ जाता है। और सेम अगर आप इस टेबल की कॉपी बनाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आके आपने क्लिक करना, कंट्रोल को प्रेस करते हुए आपने इसको नीचे ले आना, तो आप इस तरह सिंपली इसकी कॉपीज बना सकते हैं, जितनी मर्जी आप चाहें बना सकते हैं इसकी कॉपीज। तो ये एक बहुत सिंपल सा मेथड है जिससे आप अपना कोई भी यानी कि बना बनाया टेबल कैलेंडर्स का वो ले सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे इन चीज़ों का सब ऑप्शन जो है हमारे वो क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी टेबल सेलेक्ट किया, ये मैं आपके पास जैसे टेबल सेलेक्ट किया ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन और लेआउट के ऑप्शन हमारे पास खुल गए। अब यहाँ पे मैं ये टेबल को एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ तो ये देखिए वो ऑप्शंस आप नहीं यहाँ पे शो हो रहे, लेकिन वो ऑप्शंस तभी शो होंगे जब आपने कोई भी टेबल यहाँ से सिलेक्ट किया होगा। अब जैसे आप इस टेबल पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल्स, बॉर्डर्स। सबसे पहले बात करते हैं टेबल स्टाइल्स की, तो यहाँ से आप कोई काफ़ी सारे आपके पास डिज़ाइनिंग दिए हुए हैं, स्टाइल्स दिए हुए हैं जिसका आप टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये टेबल सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने टेबल सिलेक्ट किया इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे सबसे पहले छह ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हेडर रो, जैसे ही आप हेडर रो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप देखते हैं कि जो आपकी फर्स्ट लाइन थी कलर वाली वो गायब हो चुकी है। अगेन इस पर क्लिक करते हैं तो वो शेडिंग उसकी वापस आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है टोटल रो भी, इसी तरह जैसे टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रोक आ जाएगा लाइंस के दरमियान में ना, थोड़ी सी डार्कनेस आ जाएगी। इस पर अगेन क्लिक करते हैं तो वो नहीं आएगी, यानी कि नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है बैंडेड रोज का, जैसे ही बैंडेड रोज पे क्लिक करते हैं तो ये जो कलर्स आ रहे थे वो गायब हो जाएंगे। अगेन बैंडेड रोज पे क्लिक करते हैं तो हर एक लाइन के बाद कलर वापस से आना शुरू हो जाएगा। तो इसको मैं आपको अगेन एक बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा टेबल लेके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। पहले यहाँ से मैं बड़ा टेबल लेता हूँ थोड़ा सा ये, इस पर अगेन हम यहाँ से आएंगे शेडिंग अप्लाई कर देंगे जैसे हमने की थी। अब बैंडेड रोज पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कलर गायब हो चुके हैं।
अगेन बैंड ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, यानी कि फर्स्ट में कलर आ रहा है, सेकंड ब्लैंक है, फिर थर्ड में कलर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी टेबल हो उसकी इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट कॉलम का, तो इसके लिए मैं आपको टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं टेबल सेलेक्ट, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कॉलम का जो ऑप्शन है ये सिलेक्टेड है। जैसे मैं इसको अनचेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर्स थे वो गायब हो चुके हैं। अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारी शेडिंग वापस आ जाएगी। अब इसी तरह लास्ट कॉलम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो लास्ट कॉलम पे शेडिंग आ जाएगी वापस से। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो वो शेडिंग गायब हो जाएगी। इस तरह से फर्स्ट कॉलम पे भी इस तरह से है, लास्ट कॉलम पे भी आप अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सिक्स ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है बैंडेड कॉलम्स का। अब बैंडेड कॉलम्स मैंने क्लिक किया तो आपको फर्क तो नजर आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, यानी कि फर्स्ट में कलर होगा, सेकंड ब्लैंक होगी, थर्ड में फिर से शेडिंग सी आएगी। जैसे पहले हमारा रोज के अंदर आ रहा था, अब ये हमारा कॉलम से आ रहा है। पहले रोज में आ रहा था, ऐसे कलर आया था, सेकंड रो में नहीं था, थर्ड में आया था, लेकिन अब ये कॉलम वाइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बैंडेड रोज थी, यहाँ पे बैंडेड कॉलम्स है, यानी कि पहले हमारा ऐसे चल रहा था, फर्स्ट में था कलर, सेकंड में नहीं था, थर्ड में शेडिंग थी, अब यहाँ पे कॉलम वाइज चल रहा है, फर्स्ट में आया, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है। तो ये एक सिंपल सा है जिससे आप अपने रोज या कॉलम्स को कस्टमाइज इजीली कर सकते हैं। सो ये था टेबल स्टाइल ऑप्शन, कि आप किस तरह से टेबल स्टाइल ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेबल स्टाइल है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो एरो का निशान आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको काफी सारे टेबल्स के डिफरेंट स्टाइल्स नजर आ रहे हैं, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर क्लिक कर लिया इस टेबल पे, ठीक है, तो यहाँ से आपको टेबल स्टाइल मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास, इस टेबल को आप सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है शेडिंग का। अब यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये थर्ड रो जो है, ये मैंने थर्ड रो सिलेक्ट की आपके सामने। अब मैं शेडिंग के ऑप्शन पे आया, यहाँ पे अब आपको डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं कि आप इस रो को किस तरह का कलर देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ग्रीन कलर देना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस रो पे, यहाँ पे मैंने ये रो सिलेक्ट कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस रो को मैंने सपोज कलर देना है ब्लैक कलर का कलर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइट ब्लैक कलर आ गया। इस तरह से आप अपनी शेडिंग के थ्रू आप अपनी मर्जी से इसको कलर दे सकते हैं, कलर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ये आप रो वाइज भी कर सकते हैं एंड कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने ये अभी एक कॉलम सिलेक्ट किया, अब मैंने इस कॉलम को कलर देना है, तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कलर दे सकता हूँ, यहाँ से मैं यही दे देता हूँ कलर। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कॉलम को कलर देना है, शेडिंग पे आऊंगा, यहाँ से मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी टेबल के ये रोज या कॉलम्स को अपनी मर्जी से कलर दे सकते हैं, उनको शेडिंग अप्लाई उनमें कर सकते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है बॉर्डर का। अब बॉर्डर का ऑप्शन किस तरह से काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया तो डिजाइन का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। डिजाइन के ऑप्शन पे जाने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल्स, बॉर्डर्स, ये सारा इसका पोर्शन आ गया है। सबसे पहले तो आपने टेबल का आपका सिलेक्ट नहीं होगा, आपने टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर स्टाइल आपने सिलेक्ट कर लेना है, ब्लू कर लेते हैं। यहाँ से आपने ये सिलेक्ट कर लेना है कौन सा स्टाइल आप देना चाहते हैं। यहाँ से साइज सिलेक्ट कर लेना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये 4:1:2 सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आपने अपनी लाइन को कलर दे देना, मैं ग्रीन कलर सिलेक्ट करता हूँ। अब इतना काम आपका हो गया। नेक्स्ट आपने यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, बॉर्डर पे ऑप्शन पे क्लिक करके अब आपने ये बॉर्डर जो आपने यहाँ पे सारा कस्टमाइज किया है, अपना कलर वगैरह सेट किया, अब आपने ये कहाँ पे देना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉटम पे करेंगे, बॉटम पे, टॉप पे करेंगे, टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, या नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, हर कॉलम हर रोज के दरमियान में ये हमारा जो हमने यहाँ से कस्टमाइज किया है बॉर्डर वो हमारा आ चुका है, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं येलो कलर देना चाहता हूँ, ठीक है। बॉर्डर पे आके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं, ये हमारा येलो कलर यहाँ पे आ गया। अगेन मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं आउटसाइड बॉर्डर पे सिर्फ क्लिक कर देता हूँ। सिलेक्ट किया इसको, यहाँ से पेन कलर में चेंज करके रख देता हूँ ये वाला। बॉर्डर पे क्लिक करके इनसाइड बॉर्डर अगर हम देंगे तो आप देख सकते हैं इनसाइड बॉर्डर में हमारा ये कलर आ चुका है। अब मैं आउट्स ए कलर से यहाँ से कलर दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, आउटसाइड पे लगा के दिखाता हूँ। पहले येलो कलर सेम हो गया था तो आपको सही समझ नहीं आई होगी। पेन कलर में यहाँ पे दे देता हूँ ये, इसके बाद बॉर्डर पे जाके आउटसाइड बॉर्डर। अब देख सकते हैं सेंटर के अंदर हमारा जो इनसाइड बॉर्डर है वो इस कलर का है, लेकिन आउटसाइड बॉर्डर जो है वो हमारा ऑरेंज टाइप हो गया, ऑरेंज कलर का, ठीक है। अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं कलर दे देता हूँ, यहाँ से मैं दे देता हूँ ये कलर दे देता हूँ। बॉर्डर पे जाएंगे, इनसाइड बॉर्डर पे देना चाहते हैं इनसाइड दे सकते हैं, आउटसाइड पे देना चाहते हैं यहाँ पे आउटसाइड ऐसा लगेगा, ऑल बॉर्डर देना चाहते हैं यहाँ से ऑल दे सकते हैं। अगर आपने कोई बॉर्डर नहीं देना तो यहाँ पे आप नो बॉर्डर पे क्लिक करके
कोई बॉर्डर भी नहीं दे सकते। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। हॉरिजॉन्टल पे करेंगे तो ये सिर्फ रोज पे बॉर्डर अप्लाई होगा, कॉलम्स पे नहीं होगा। अगर वर्टिकल पे करेंगे तो सिर्फ कॉलम्स पे बॉर्डर अप्लाई होगा, लेकिन रोज पे बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा। सो फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद ऑप्शन आ जाता है बॉर्डर पेंटर का। अब बॉर्डर पेंटर का ऑप्शन किस तरह से काम करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कलर आपको और सिलेक्ट करता हूँ, ब्लू कलर सिलेक्ट किया। अब बॉर्डर पेंटर पे क्लिक करके अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, अब आपके पास एक पेन का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ से आपको जूम कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से पता लगे, ठीक है। तो यहाँ से ये पेन का ऑप्शन आपके पास आ गया। अब इसको आप जिस पे भी अप्लाई करेंगे, अब आपने जो सा कलर सिलेक्ट किया होगा आप इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ से आपने जिस जिस कॉलम पे या रो पे जो जो सा बॉर्डर लगाना है वो आप यहाँ से अपनी मर्जी से लगा सकते हैं बहुत ईजीली, ये देखिए ऐसे। तो ये आपके पास बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि पहले आप इस तरीके से बॉर्डर अप्लाई करते तो वो ऑटोमेटिकली सारी रोज और सारे कॉलम्स पे बॉर्डर एक जैसा अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ से आप अपनी मर्जी से। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ब्लैक कलर का बॉर्डर अप्लाई करना है, बॉर्डर पेंटर पर क्लिक किया यहाँ से, अब यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का अप्लाई कर दूंगा सिंपल, ये देखें अब यहाँ पे ये ब्लैक कलर का बॉर्डर अप्लाई हो रहा है। तो ये था बॉर्डर पेंटर का ऑप्शन, कि आप बॉर्डर पेंटर के ऑप्शन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। मीन्स के हमारे यहाँ पे डिजाइन वाले टैब के अंदर तीन ऑप्शंस थे हमारे पास, एक टेबल स्टाइल, एक टेबल स्टाइल ऑप्शन एंड बॉर्डर्स, जो कि हमने तीनों कवर कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा डिजाइन टैब, के हम डिजाइन टैब को किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको सारे को एक दफा कट कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं एक नया टेबल बनाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे एक नया टेबल बनाया। अब ये डिजाइन टैब दो और लेआउट दोनों खुलते हैं जब टेबल हम बनाते हैं, ठीक है। डिजाइन टैब हमारा क्लियर हो चुका है, अब हमारे पास लेआउट का टैब आ जाता है। अब लेआउट के टैब पे आप क्लिक करेंगे तो काफी सारे नए ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑप्शंस किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो या सिलेक्ट टेबल। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इस सेल के अंदर अभी मेरा आप देख सकते हैं किसी बॉक्स में क्लिक नहीं है, सिलेक्टेड नहीं है, ना ही कोई रो में ना कॉलम में। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट ये बॉक्स सेल के अंदर अपना क्लिक किया, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लेआउट में आ जाना है, सिलेक्ट के ऑप्शन पे सिलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका वो बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। अगेन सिलेक्ट में आएंगे, सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे, आपका ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट रो पे क्लिक करते हैं, एक मिनट दोबारा से करता हूँ, ये पूरा टेबल ही सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी, अगेन सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट का ऑप्शन ये काम करता है। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है व्यू ग्रिड लाइंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आके एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट टेबल, इसको डिलीट करता हूँ एक मिनट में, पहले यहाँ से इसको डिलीट किया, टेबल पे आया, यहाँ से हमने ये टेबल सेलेक्ट कर लिया, लेआउट पे आ जाना है यहाँ से। यहाँ पे अब ग्रिड लाइंस के क्या मतलब होता है, ये आप सबसे नीचे देख सकते हैं, ये आपकी बॉर्डर लाइंस होती है और इन बॉर्डर लाइंस के नीचे होती हैं ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस क्या होती है, ग्रिड लाइंस होती है कि जो आपको सिर्फ आपके कंप्यूटर पे नजर आती हैं, लेकिन आप उसका प्रिंट करते हैं तो आपको प्रिंट पे नजर नहीं आती। मीन्स के ये सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में नजर आती है ग्रिड लाइंस, हार्ड कॉपी में ग्रिड लाइन नजर नहीं आती। सो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो ग्रिड लाइन नजर ही नहीं आ रही, वो हमें नजर कैसे आएंगी। तो सो फ्रेंड्स आपने इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने बॉर्डर्स पे जाना है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो लाइनिंग आपको शो हो रही है ये बॉर्डर्स है। अब बॉर्डर्स के नीचे होती है ग्रिड लाइंस, अब आपको वो नजर नहीं आ रही तो अब आपको कैसे नजर आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना, अभी आपको वो लाइंस नजर नहीं आ रही, ठीक है। अभी आपने इस पर क्लिक की, सिलेक्टेड रहने देना, लेआउट में आ गई, यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर देना। जैसे आप व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये लाइनिंग शो हो रही है, इसको कहते हैं ग्रिड लाइंस, ठीक है। ये आपको इधर कंप्यूटर में तो अब नजर आ रही है कि व्यू पे क्लिक करके आपको कंप्यूटर में तो ये सॉफ्ट फॉर्म में नजर आएंगे, लेकिन हार्ड फॉर्म में या प्रिंट फॉर्म में आपको ग्रिड लाइन नजर नहीं आती, ठीक है। तो वापस आप डिजाइन में आएंगे, बॉर्डर्स पे आके इसको पहले सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से यहाँ पे आपने बॉर्डर्स में आना है और यहाँ पे आपने ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देना। सो फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है प्रॉपर्टीज का। अब प्रॉपर्टीज का ऑप्शन किस बढ़ता हुआ आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं अपने इस टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये छोटा कर लिया। अब अगर आप प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप अपने टेबल को मूव कर सकते हैं लेफ्ट राइट सेंटर में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके यहाँ पे अगर मैं राइट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से ओके करूंगा, टेबल हमारा राइट में चला जाएगा। सेंटर पे क्लिक करूंगा, टेबल सेंटर में आ जाएगा। अगेन मैं लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये टेबल हमारा लेफ्ट में चला जाएगा।
नेक्स्ट कमांड इसमें आ जाती है ड्रा टेबल की। अगर आप अपनी मर्जी का टेबल यहाँ पे ड्रा करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से टेबल यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। अपनी मर्जी से रोज कॉलम आपने बनानी है तो आप यहाँ से इजीली बना सकते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम कैसे अपने टेबल खुद का ड्रा कर सकते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, वो आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से सारे टेबल्स को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, ओके। नेक्स्ट दोबारा से टेबल सिलेक्ट करते हैं, कोई यहाँ से लेआउट के ऑप्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट टेबल हमारे पास आ जाता है इरेजर का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है इरेजर। तो अब इरेजर का ऑप्शन कैसे काम करता है कि अगर आपने किसी भी टेबल के अंदर से कोई रो या कॉलम या कुछ सारे रिमूव करना है तो आप इस इरेजर के टूल से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे ऐसे इसको ड्रैग करूंगा यहाँ से तो ये रिमूव हो जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये किया, यहाँ से ऐसे किया, तो ये आप अपनी मर्जी से इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, अपने किसी भी सेल को या पूरी अगर आपने रो को करना हो तो यहाँ से इजीली इसको इरेजर का टूल इस्तेमाल करके यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेबल एंड ड्रा का ऑप्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डिलीट का ऑप्शन। ये डिलीट का ऑप्शन कैसे काम करे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस टेबल को डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं, यहाँ पे हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से हम लेआउट में चले जाते हैं। तो अब आप जिस सेल को या जिस रो को या जिस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना। फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को डिलीट करना चाहता हूं, तो आपने डिलीट पे आना, डिलीट सेल पे क्लिक कर देना। यहां पे अब आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, डिलीट शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, डिलीट एंटायर रो या डिलीट एंटायर कॉलम। तो आपने यहाँ से सिंपली ओके कर देना, तो आपके इस रो का एक सेल जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक किया, डिलीट पर आया, डिलीट मैंने कॉलम्स पर क्लिक किया, डिलीट कॉलम्स, ये देखिए कॉलम्स डिलीट हो रहे हैं उस रो के। टेबल पे डिलीट किया तो टेबल ही पूरा हमारा डिलीट हो गया। सो फॉर एग्जांपल हमने इस रो पे कुछ, मैं टाइप कर देता हूँ नेम, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं रोल नंबर, स्कूल, फिर से नेम लिख देते हैं रो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस रो को डिलीट करना चाहता हूँ, पूरी रो को, तो मैंने क्या करना है, इस रो में मैंने किसी भी सेल को सिलेक्ट करके डिलीट पर आगे डिलीट रोज पे मैंने क्लिक कर देना, तो वो हमारी रो बिल्कुल गायब हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। अब मैं आपको कॉलम का बता देता हूँ, नेम यहाँ पे आता है, कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं कुछ भी लिख देते हैं। अब आपने इसके किसी भी सेल पे क्लिक करना है, यहाँ से डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देना है, आपका कॉलम डिलीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है नेम, अब मैं सिर्फ ये बॉक्स डिलीट करना चाहता हूँ जहाँ पर मैंने नेम का वर्ड लिखा है, तो आपने डिलीट पर आना, डिलीट सेल, ओके। तो ये हमारा यहाँ से सेल डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप डिलीट का ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। सो इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट। तो इसके लिए सबसे पहले ये टेबल को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं, यहाँ से एक नया टेबल क्रिएट करते हैं और दोबारा से लेआउट पे आ जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नेम टाइप किया अहमद, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक रो और भी मैंने बनानी थी, ठीक है। तो आपने क्या करना, इंसर्ट अबव पे क्लिक कर देना, तो आपके पास एक ऊपर नई रो आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि मुझे अहमद और टेक वीडियो जोन इन दो रोज के दरमियान में एक और रो चाहिए, तो आपने इंसर्ट बिलो पे क्लिक कर देना, तो आपके पास यहाँ पे रो आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नेम, यहाँ मैंने टाइप किया, अब मैं अगर इंसर्ट राइट पे क्लिक करता हूँ तो इंसर्ट राइट पे इसकी राइट साइड पे हमारे पास एक कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ फिर से, और अगर मैं चाहता हूँ कि इसके लेफ्ट साइड पे मुझे एक कॉलम चाहिए, तो आपने यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करना और आपके पास एक कॉलम आ जाएगा। इससे इसका फायदा ये होगा कि बार बार अगर आपने अपना पूरा डाटा टेबल में लिख लिया और आपको जगह कम पड़ रही है, आपको और रोज या कॉलम की जरूरत है, तो आपको फिर से डिलीट करना पड़ेगा और वहां से जाके टेबल ऐड करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से इस चीज को यूज करके यहाँ से easily insert above below left right को use करके अपने columns या rows की size को increase कर सकते हैं, ठीक है। so friends next हमारे पास option आ जाता है merge का। merge का option कैसे use करते हैं, for example मैं कहता हूँ कि ये जो tech video zone हमारा name है ये एक ही line के ऊपर एक ही row में आए लिखा, तो वो आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ select करके अगर आप merge cell पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये एक ही यानी कि heading type हमारी बन गई है, यानी कि ये एक ही name के अंदर ये सारा कुछ एक ही row में आ चुका है। इस तरीके से आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको कॉपी कर कट कर देता हूँ यहाँ से, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा चैनल का नेम टेक वीडियो जोन, पहले ये टेक के नीचे वीडियो था, वीडियो के नीचे जोन था, लेकिन हमने अभी इसको मर्ज सेल पे क्लिक किया है तो ये अब एक ही रो के अंदर ये हमारा हेडिंग आप इसे कह सकते हैं, आप इस तरह से हेडिंग्स बना सकते हैं।
मर्ज सेल पे क्लिक करके। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है मर्ज के अंदर स्प्लिट सेल्स। फॉर एग्जांपल आपने एक सेल के अंदर मजीद तीन सेल आपने आपको चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट। अब डेट में हमारे पास एक डेट होती है, फिर मंथ होता है, फिर ईयर होता है, तो वो अब आपने कैसे करना है उसके लिए आपने यहाँ पे स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन है आपके पास, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स मांग रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको चाहिए, तो डेट मंथ ईयर तीन, तो हमने यहाँ पे थ्री पे क्लिक करके रो एक ही चाहिए, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास तीन बन चुके हैं। यहाँ पे अब आपने फॉर एग्जांपल डेट लिख सकते हैं कोई भी, वट एवर जो भी आप इसको लिखना चाहते हैं आप यहाँ से इजिली लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे डेट लिखी, अगर आप स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करते हैं जितने आपको कॉलम या जितने आपको रोज चाहिए ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बन जाएंगे उतने। ठीक है, अगर आपने किसी और पे जाते हैं, यहाँ पे इस सेल के अंदर आपको मजीद तीन सेल्स चाहिए तो आपने स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करना है, जितने सेल्स आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फाइव सेल्स लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास इस सेल के अंदर मजीद फाइव सेल्स बन चुके हैं। ठीक है, इसको आप लार्ज एंड लार्ज भी यहाँ से कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आपने टेबल का डुप्लीकेट बनाना तो यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल को प्रेस करके इसको ड्रैग करके नीचे ले आना तो ये इसका डुप्लीकेट भी बन जाएगा बहुत ही आसानी से। तो मजीद बाद में आप फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और लेआउट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास अब ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट टेबल का। अब मैं आपको बताता हूँ स्प्लिट टेबल का ऑप्शन किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप चाह रहे हैं कि ये आपकी जो हेडिंग है ये आपके इस टेबल से अलग हो जाए, यानी कि ये अभी आप देख सकते हैं कि हेडिंग जो है ये हमारी टेबल का हिस्सा है, यानी कि इस पर बॉर्डर लगे, यानी कि ये हमारे टेबल में। हम चाहते हैं कि जो हमारी हेडिंग है ये टेबल से अलग हो जाए, तो वो अब आप कैसे करेंगे। सिंपली यहाँ पे आपने इधर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्लिक करके स्प्लिट टेबल पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी हेडिंग जो है वो आपके टेबल से अलग हो चुकी है। इस तरीके से आप अपनी हेडिंग्स को अपने टेबल से अलग कर सकते हैं। अगर आपको बाद में याद आए कि मैंने इसमें एक हेडिंग पुट कर ली थी तो वो हेडिंग आप पुट कैसे करेंगे, यहाँ से अब रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद जो भी रो या कॉलम है आपने जो सी भी अपनी हेडिंग लिखनी है या वट एवर जो जिस पर्पज़ के लिए भी आपने रो या कॉलम बनाई है उसको यूज़ करें, और उसको अगर आपने बाद में टेबल से अलग करना है तो आपने सिंपली स्प्लिट टेबल पर क्लिक करके यहाँ से आप उसको अपने टेबल से अलग कर सकते हैं। तो अगर आप अपने इस हेडिंग को अपने टेबल के साथ दोबारा जोड़ना चाहते हैं तो अब आप कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आके डिलीट के ऑप्शन पे प्रेस कर देना है आपने डिलीट। जैसे आप डिलीट का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो ये आपकी हेडिंग वापस से आपके टेबल में आ जाएगी। अगर आपने फिर से इसको स्प्लिट करना है, इस पर यहाँ से स्प्लिट करना है इसको, यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक करके स्प्लिट टेबल पर क्लिक करना है। अगर दोबारा से टेबल के अंदर करना है तो डिलीट के ऑप्शन को प्रेस करना है तो आपकी हेडिंग फिर से टेबल के अंदर आ जाएगी। ये बहुत एक सिंपल सा मेथड था कि किस तरह से आप अपने टेबल को यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑटोफिट का ऑप्शन। ऑटोफिट के ऑप्शंस के अंदर मजीद आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, ऑटोफिट कंटेंट्स, ऑटोफिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें एक और टेबल यहाँ पे ड्रा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट पेज पर चला जाता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में आते हैं, यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं 7x6 का टेबल सेलेक्ट किया, इसको ओपन के क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मंडे को फुल लिख देता हूँ मंडे, और बाकी मैंने सिर्फ उनके फर्स्ट थ्री थ्री वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, तो अब इस चीज का क्या फायदा होगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ऑटो फिट पे आएंगे और ऑटो फिट कॉन्टेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके जितनी आपकी टेक्स्ट का साइज़ होगा उस हिसाब से आपके कॉलम का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपके टेक्स्ट का साइज़ कम है तो कॉलम का साइज़ भी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ट्यूसडे, तो ये आप देख सकते हैं अपने आप आपके कॉलम का साइज़ अपन डिक्रीज हो रहा है और लार्ज हो रहा है। तो आप इस ऑप्शन को इस तरीके से यूज कर सकते हैं ऑटो फिट कंटेंट्स को। सो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑटो फिट विंडो। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो ये आपका जैसे का पेज सेटअप है उसके हिसाब से ये अपने आप सेट हो जाएगा विंडो के लिहाज से, यानी कि जिस साइज का आपका पेज है ये वाला उस हिसाब से ये अपने आप सेट हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मैंने टाइप किया यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि आपके कॉलम की चौड़ाई अपने आप इंक्रीज हो रही है,
ये देखिए, इसको हम कह सकते हैं आउट ऑफ इट ऑफ विंडो, यानी कि ये पेज के लिहाज से अपने आप सेट हो जाएगा। जैसे का आपका पेज साइज होगा, ये अपने आप विंडो के साइज के मुताबिक अपने आप सेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी वर्डिंग टाइप कर रहा हूँ तो हमारे कॉलम का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो कॉलम साइज इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए, कॉलम का साइज एक ही रहे बल्कि, और जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे मूव होता जाए ऐसे, तो वो अब आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपने सबसे पहले ऑटो फिट पे आके आप फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर देना। अब मैं आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो कॉलम साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि वो डाउनवर्ड मूव करी जा रहा है हमारा टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ऑटो फिट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आया था हाइट एंड विड्थ का। अब आप इसकी हाइट अगर बढ़ाना चाहते हैं, कॉलम को इसको सिलेक्ट किया, इसकी हाइट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहते हैं यहाँ से अपने टेबल की हाइट को कम कर सकते हैं। विड्थ के लिए भी ऐसे ही करेंगे, अगर हाइट बढ़ाना चाहते हैं, विड्थ इसकी सच इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं तो डिक्रीज कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का टेबल आपका चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप हाइट एंड विड्थ का काम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव रोज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलम्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये दो ऑप्शन कैसे काम करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट पे आ जाते हैं टेबल पे, यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कोई टेबल ड्रा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रो डाली, फिर यहाँ पे मैंने एक रो डाली, फिर मैंने यहाँ पे अब मैंने कॉलम दे दिया, यहाँ पे भी एक। तो आप देख सकते हैं कि कोई रो जो है, कोई कॉलम हमारा छोटा है, कोई कॉलम बड़ा है, कोई रो छोटी है, कोई रो बड़ी है, तो हम चाहते हैं कि ये इक्वल साइज में हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव रोज पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये लाइन वाइज एक साइज की रोज बन गई है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलम्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए लाइन वाइज कॉलम हमारे जितने साइज का एक सेल है उतने साइज का ही दूसरा सेल है, एक जितने साइज का एक कॉलम है उतने साइज का दूसरा कॉलम है, जितने साइज की एक रो है उतने साइज की दूसरी रो है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव रोज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलम्स को यूज कर सकते हैं अपनी रोज या कॉलम्स को या अपने टेबल को एक अच्छी सीक्वेंस देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं अलाइनमेंट के। इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ यहाँ पे मैंने लिखा नीचे 2021। अब आप देख सकते हैं कि इसको आपने सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये सेल के अपर का अलाइनमेंट इस पे है, कि ये सेल के ऊपर वाले साइड पे। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सेल के सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप अपनी मर्जी से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, बॉटम पे रखना, लेफ्ट पे रखना या राइट पे रखना, जैसा आप चाहें इसको वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब होता है कि अगर आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिस तरफ भी आप इसको करना चाहते हैं आप उस तरफ अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेल मार्जिन। सो सेल मार्जिन किस तरह से काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ सबको जो जो मैंने किया था पहले। नाउ आपने सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सेल मार्जिन यानी कि अगर आप अपने सेल को अपने टेबल को मार्जिन देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे दिया 0.05 का, बॉटम में भी मैंने मार्जिन दे दिया 0.05 का। इसको जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऊपर से हमारे सेल के अंदर मार्जिन आ चुका है, देख रहे हैं आप यहाँ से ऊपर से। तो इस तरह से आप सेल के अंदर अपना मार्जिन दे सकते हैं। आप यहाँ पे लेफ्ट अगर साइड पर देना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ 0.05 0.05। अब ये लेफ्ट राइट पे भी अगर हम मार्जिन देना चाहते हैं तो आपने जैसे ही ओके पे प्रेस करेंगे तो लेफ्ट से भी उतना मार्जिन आ जाएगा, राइट से भी उतना ही मार्जिन आ जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये संडे का एस आप देख सकते हैं यहाँ पे, वैसे अपर से भी उतना मार्जिन आएगा, बॉर्डर से भी, और जहाँ से लेफ्ट से भी आपने किया उधर से उतना मार्जिन आएगा, राइट से किया वहां से भी उतना ही मार्जिन आएगा। तो इसको आप सेल मार्जिन के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एक सेल के चारों तरफ मार्जिन देना चाहते हैं, ये तो हमने दिया अपर साइड पे, बॉटम साइड पे, लेफ्ट और राइट पे, अगर आप हर सेल के चारों तरफ मार्जिन देना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, इस डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग इसको आपने अलाउ करना है, 0.05 पे आपने क्लिक करके ओके कर देना। तो ये आप देखें सेल के चारों साइडों पर मार्जिन आ चुके हैं, जितना मार्जिन ऊपर वाली साइड पर उतना मार्जिन नीचे वाली साइड पर, जितना मार्जिन लेफ्ट साइड पर उतना मार्जिन राइट साइड पर। इस तरीके से आप अपने एक सेल के इर्द गिर्द भी मार्जिन दे सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है सॉर्ट का ऑप्शन। सबसे पहले इंसर्ट पे आना, टेबल पे आते हैं, एक टेबल यहाँ से ले लेते हैं हम। यहाँ पे अपनी मर्जी से मैं कोई वर्डिंग लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पी। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ये लाइन वाइज नहीं है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, डब्ल्यू बी पी सी बी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक सीक्वेंस के थ्रू आए, यानी कि ए टू जी लेटर आए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने लेआउट में आ जाना है। इसके बाद ये आपको सॉर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे या सॉर्ट बाय, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ आपको ये एरो का ऑप्शन आ रहा है, एरो पे क्लिक करके आपने कॉलम वन पे क्लिक कर देना। जैसे कॉलम वन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट नंबर या डेट, आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारा टेक्स्ट हमारा नंबर या डेट नहीं है, इसको सेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर देना। अब ये हमारी सीक्वेंस लाइन वाइज आ रही है, सी डी पी वी, यानी कि ए से जेड की तरफ लेटर मूव कर रहे हैं। अगर आप इसको डिसेंडिंग वे में करना चाहते हैं तो अगेन सॉर्ट में आए, कॉलम सिलेक्ट करें, वन टेक्स्ट डिसेंडिंग में करेंगे तो ये अब यानी कि जी टू ए कॉलम मूव कर रहा है हमारा, जी टू ए अल्फाबेट्स मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रिपीट हेडर रोज का। रिपीट हेडर रोज का ऑप्शन कैसे काम करता है, इसके लिए हमें अगेन एक टेबल लेना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल पे आते हैं, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल फोर कॉलम्स और लेता हूँ, 1000 रोज ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने ओके किया। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी 11 पेजेस पे चले गई है, 1000 रोज जो है हमारी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसका क्या मकसद है इस रिपीट हेडर रोज का। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई 200-300 बंदों का आपने डाटा यहाँ पे लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में मैं लिखता हूँ नेम के हेडिंग देता हूँ, सेकंड में मैं लिख लेता हूँ फादर, थर्ड में मैं लिख लेता हूँ फोन नंबर, एंड फोर्थ में मैं लिख लेता हूँ सिटी। अब आपके पास ये 21 पेजेस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 पेजेस हैं। अब अगर आप हर एक पेज पे इस तरह बारी बारी लिखने लग जाए तो आपको अच्छा खासा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही क्लिक से जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो हर पेज की फर्स्ट रो में अपने यहाँ पे लिखा जाए, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट रो को क्लिक करके रिपीट हेडर रोज पे सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही अब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी कमांड एक्टिव हो गई। अब आप नीचे देखते हैं तो हर पेज के ऊपर फर्स्ट रो में जो आपने कमांड चलाई है, जो पहले लिखा हुआ था फर्स्ट पे, वो अब हर पेज के ऊपर अपने आप लिखा आ गया। तो ये बहुत ही बेनिफिट है आपके लिए, आपका बहुत सारा इससे टाइम बच सकता है। ये देखें, आप देख सकते हैं हर पेज के ऊपर ये अपने आप यानी कि ऑटोमेटिकली ये रिपीट हो चुकी है। तो इस तरह रिपीट हेडर रोज के मदद से आप बहुत सा अपना टाइम बचा सकते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब आपको याद होगा कि पहले हमने पढ़ा है टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं टेबल में कैसे, वो हमने पहले पढ़ा। अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें डिलीट करना पड़ेगा सब कुछ, बल्कि हम न्यू पे यहाँ से चले जाते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आते हैं, टेबल पे आते हैं, यहाँ से मैं इंसर्ट कर देता हूँ ये टेबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अगर ये टेबल की फॉर्म में है मेरे पास, अगर मैं इसको टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि ये टेबल की फॉर्म में ना हो, टेक्स्ट यही रहे हमारा, तो क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है, आपने लेआउट में आ जाना है, यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मांग रहा है पैराग्राफ मास, टैब्स, कॉमास या अदर, तो यहाँ पर आपने टैब्स पे क्लिक करके ओके पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपका जो टेबल के अंदर टेक्स्ट था वो सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि अब आपने टेबल को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बहुत ही एक सिंपल तरीका था कि आप किस तरह से टेबल में आपने कुछ भी लिखा हो, कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा हो, आप उसको विदाउट टेबल वाइज टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है वो है फार्मूलाज का ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 789 और नीचे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 600। अब हमने इसका सम लेना है कि ये इसको प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो वो अब आप इस फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ से सम अबव इस पे आपने सिंपली ओके करना, तो इसका सम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था फार्मूला कि आप किस तरह से फार्मूले के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेबल्स तक कंप्लीट, और टेबल्स के अंदर हमने डिज़ाइन और लेआउट दोनों को कवर कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इंसर्ट में यहाँ पिक्चर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे सिंबल्स तक करेंगे। तो आज की वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई है, दैट्स वाई मैं इसको यहीं पे ऐड कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हमने इंसर्ट टैब, कवर पेजेस,
पेजेस का ऑप्शन, टेबल्स का ऑप्शन, और टेबल में हमने डिजाइन एंड लेआउट पे स्टडी किया। ठीक है, नेक्स्ट हम इंसर्ट से शुरू करेंगे, पिक्चर से स्टार्ट करेंगे और सिंबल्स तक अपना कवर करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने इसको दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी एमएस वर्ड को मुकम्मल तौर पर सीख सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन आ रहा होगा उसको क्लिक करके ऑल पे करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके।